Alternate Reality Monitoring and Operational Response, Operation Midnight Suns, Video Testament MS-001, Morbius, Dr. Mitchell, PhD. Dr. Morbius कहते हैं, Martin, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, या जिंदा भी हो या नहीं, लेकिन हमने सभी टीम मेंबर्स को चांस दिया है रिकॉर्ड करने का लिविंग व्हील्स डिप्लॉयमेंट के पहले. आर्मर ने इंटरसेप्ट किया है डिस्ट्रेस सिग्नल जो कि था रॉयल स्वीडिश क्रूज लाइनर ट्रैंक्विलिटी से. तब हम देखते हैं कुछ लोगों को जहाज पर चढ़ते हुए और अंदर जाकर बाकी लोगों को खाते हुए. तब मिचेल मॉर्बियस आगे कहता है वो जोम्बिस जो किसी और डायमेंशन से थे लेकिन वो कहीं पर रहने लायक नहीं थे, उनकी वजह से सुपर ह्यूमन अनडेड हो गए. उन्होंने घुसपैठ की हमारी रियलिटी में आर्मर के थ्रू. सॉरी मैं बताना भूल गया, आर्मर एक इंटरडाइमेंशनल डिफेंस एजेंसी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ. हमने उनका पहला इनिशियल अटैक तो खदेड़ दिया लेकिन दो हमारे हेडक्वार्टर से भाग निकले. देखा जाए तो एक और आधा वो कहीं टेलीपोर्ट हो गए ओशियन के बॉटम में, और तब से लेकर अब तक उन्होंने किसी अंडरसी में रहने वाले लोगों को काट लिया. वो सबमरीनर के एटलांटियंस तो नहीं थे लेकिन वो लगभग उन्हीं की तरह मैनफिश थे. आर्मर ने एक टीम टेलीपोर्ट की मेरे साथ उन फुजिटिस को पकड़ने के लिए. मुझे लगा टेक्स वन टू कैच वन किया है उन्होंने, तो मैंने उन्हें नाम दिया जब मैं उनके ग्रुप का हिस्सा बना. और हम सभी ट्राई करने लगे लाइट को डार्कनेस तक ले जाने की. हम थे मिडनाइट सन्स. तब जैक रसल अपने ह्यूमन फॉर्म से वेयरवुल्फ बन जाता है. तब मिचेल मॉर्बियस आगे बताता है जैक रसल हमारे साथ है, तुम्हें पता है? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता होगा. तब एक मैनफिश ज़ॉम्बी कहता है अगर उन्होंने हमें काटा या हमने उन्हें, रिजल्ट सेम होगा. तब दूसरा ज़ॉम्बी उस पर कहता है हाँ, एक और कन्वर्ट हो जाएगा हंगर घोस्ट स्पेल में और इस फ्लैश की प्रेस विदाउट डेंट चलती रहेगी. वेयरवुल्फ को हम उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए देखते हैं और मॉर्बियस आगे बताता है वो दावा करता है कि वो अपने डिकेनोथ्रोपिक कर्स के साथ आखिरकार पीस बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है उसने ये चिंता करना छोड़ दिया है कि कौन मरेगा और जिएगा. तब हमें दिखती है जेनिफर केल ज़ॉम्बीज को मारते हुए, जिस पर मॉर्बियस कहता है जेन एक और है जिसके बारे में मैं कंसर्न्ड हूँ. उसके साइकोप्स स्क्रीनिंग क्लियरिंग के बाद वो इंजर्ड हुई थी इन्फेक्टेड इनिशियल असल्ट के दौरान और अब उसके पास है विच आर्मर और मुझे लगता है वो उसे मोटिवेट करेगा पेबैक के लिए, लेकिन ये सिर्फ मेरा मानना है. और आगे हम देखते हैं हेलस्ट्रॉम को, जिस पर मॉर्बियस कहता है डायमंड हेलस्ट्रॉम एक तरफ इसकी पेडिग्री क्वेश्चन के परे है. हैमर ने जब इसकी डिफेंडर्स टीम शट डाउन कर दी तब आर्मर ने इसे ले लिया, लेकिन मैं अब भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा वरिड हूँ. डॉक्टर मॉर्बियस आगे कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है वो ये सब एक्चुअली इंजॉय कर रहा है. और तब हमें दिखता है हेलस्ट्रॉम ज़ॉम्बीज को जलाते हुए ये कह रहा था बर्न, रिवेनेंट बर्न, और बाकी के ज़ॉम्बीज बाहर से उसे देखकर फ्लैश करके चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ वो कह रहे थे फ्लैश क्लच के लिए, क्लच जो नेक्स्ट चैप्टर लिखेगा हंगर घोस्ट स्पेल का और ये फ्लैश होगा विदाउट एंड. तभी पीछे से जेनिफर केल कहती है हॉट स्टफ. जेनिफर केल आगे कहती है हिलना मत, और वो अपने जादू से उन ज़ॉम्बीज को मार देती है. उस पर हेलस्ट्रॉम कहता है ये इम्प्रेसिव तो है मिस केल, लेकिन अगर तुम एंजल के साइड से फाइट कर रही हो तो तुम्हारा गुस्सा इन इन्फेक्टेड राइवल्स उन्हें डिस्पैच कर देगा और इन्फर्नल आर्मरर ऑफ द नाइन सर्कल को तुम्हारी पावर स्टेम होती है जाडना के एंशियंट टेक्निक से, है ना? तो हेलस्ट्रॉम कहता है जब भी मैं देखता हूँ उन क्रूर विजेताओं की आग तुम्हारी सोल में जलते हुए इस बैटर की गर्मी में तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. तब जेनिफर केल कहती है तुमने मेरे टर्म हॉट स्टफ का गलत मतलब निकाल लिया और अगर तुम मुझे हीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तब हेलस्ट्रॉम हंसते हुए कहता है नहीं, मैं सिर्फ एक विशेषज्ञ हूँ डार्क हेल्स का. तब जेनिफर केल कहती है मुझ पर एक फेवर करो कि कभी मत हंसना. तब मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर ज़ॉम्बीज को मारते हुए कहता है मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने ये डिस्कवर किया है कि ये ज़ॉम्बीज एनॉर्बिक है, ये सर्वाइव नहीं कर सकते ऑक्सीजन में और इसीलिए उन्होंने अपने बोन मैरो में डीप बोरो किया है. ये इन्फेक्शन उन्हें सेकेंडरी नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है जो इन लाशों को एनिमेट करता है. मॉर्बियस उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए कह रहा था ये सो कॉल्ड ज़ॉम्बीज
और कुछ नहीं बल्कि एक डिलीवरी सिस्टम है इस वायरस के। ये लाशें लोकेट करती है पोटेंशियल होस्ट्स और उन्हें इन्फेक्ट करती है अपने सलाइवा से, और ये सब होता है बिना एक्सपोज हुए एयर में। लेकिन हमारे न्यूमेटिक राइफल्स के फायर कैनिस्टर्स भरे हुए हैं जेनेटिकल इंजीनियर्ड ऑक्सीडाइज्ड बैक्टीरिया से, और जब ये बैक्टीरिया फोर्सिबली इंट्रोड्यूस करते हैं उन इन्फेक्टेड बोन मैरोज में, तब हमारे ट्रायल्स लगभग शो करते हैं सिनेमेटिकली। तब मॉर्बियस अपने वीडियो स्टेटमेंट में कह रहा था, इस बैक्टीरिया और ज़ॉम्बी प्लग के वीकेंड स्ट्रेन से मैंने एक दवाई डेवलप की हमारे हर एक टीम मेंबर के लिए, अगर हम काटे जाए या हम उन्हें काट ले। इस सारे वैकेंसी के साथ स्लाइटली चांसेस है कि इंजेक्टेड किया हुआ टीम मेंबर फुली ब्लोन हो जाए इस डिजीज के वर्जन से, और चुटकी बजाकर कहता है, और जस्ट लाइक दैट हम उनके जैसे बन जाएंगे। और हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि अपने इन्फेक्टेड टीममेट को हम टर्मिनेट कर दे। तो अब तुम्हें पता चला कि ये लास्ट विल का और टेस्टमेंट्स का आइडिया अच्छा क्यों है, और हर एक आदमी मेरी दवाई लेना एग्री करता है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता है मैं ये क्यों करता हूँ। लगभग 2 हफ्ते पहले मैं अपने ही डिसऑर्डर्ड और अनडेड वर्जन के जरिए किडनैप हो गया। उसने मुझे बेहोश रखा, टॉर्चर किया, और जब मैं उसकी कैद में था एक ही चीज़ मुझे जीने के लिए मोटिवेट कर रही थी। वो ये बात थी कि मैं इमेजिन कर रहा था कि जब मैं इसकी कैद से छूटूंगा तो मैं इसके और इसके काइंड के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, या इन्हें मारने के लिए क्या क्या करूँगा। और मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ मार्टिन, मेरी बिलव्ड डूम्ड एक्स वाइफ, आखिरकार मुझे कुछ मिला है जो हमारी लस्ट ऑफ ब्लड से ज़्यादा पावरफुल है, और वो है लस्ट ऑफ रिवेंज। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है।